अप्राप्त का प्रतिषेध होता है या प्राप्त का प्रतिषेध होता है? इधर उधर से सुन लिया है अपने संसार नहीं है, अप्राप्त का प्रतिषेध होता है, जो प्राप्त है उसका निवारण होता है या अप्राप्त का निवारण होता है? बंध्या पुत्र नहीं है कोई कहता है क्या? बंध्या पुत्र का प्रतिषेध हो सकता है? खरगोश के सिंह का कोई प्रतिषेध करेगा? प्राप्त का प्रतिषेध होता है। मृत्यु के तेव सत्यम, मिट्टी से निर्मित घट कलश आपको दिखता है तब कहा जाता है कि यह जो घट है इसका वास्तविक स्वरूप मिट्टी है। घट प्राप्त ही ना हो तो घट का निषेध कैसे होगा? इसी काशी की बात है, वृंदावन बिहारी भवन में पूज्य गुरुदेव पढ़ा रहे थे, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद पढ़ा रहे थे भाष्य सहित। उनके मुंह से निकला मुखारविंद से कि जब कोई नास्तिक ईश्वर का परलोक का खंडन करता है तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी कर्पात्री जी महाभाग ने ऐसा कहा। मैंने बच्चे के समान प्रश्न कर दिया, भगवान आप जैसे आस्तिक श्रोमणि को तो कष्ट होना चाहिए, प्रसन्न क्यों होते हैं? महाराज खूब हंसे, हाँ ठीक, अच्छा प्रश्न किया, सुनो मेरी बात गांठ बांध लो। अब प्राप्त का प्रतिषेध होता है या प्राप्त का? ये देवदत्त नहीं है, ये मणि, क्या नाम, शेषमणि त्रिपाठी है, त्रिपाठी है शुक्ल, ये शेषमणि क्या है, शुक्ल है, ये देवदत्त नहीं है, समझ गए ना? इसका मतलब संसार नहीं है का अर्थ क्या होता है? इसके व्यावहारिक की सत्ता है या प्रातिभाषिक की सत्ता है, परमार्थ सत्य नहीं है। सत्यस्य सत्यम बृहदारण्यक उपनिषद, श्रीमद् भागवत दसम स्कंध, नित्यो नित्यानाम सत्यस्य सत्यम। तो नंबर दो का सत्य है संसार, जल तरंग एक नंबर का सत्य है या जल? कौन किन्होंने प्रश्न किया, जल तरंग एक नंबर का सत्य है या जल? मिट्टी से निर्मित घट एक नंबर का सत्य है या मिट्टी? रस्सी में दिखाई पड़ता है सर्प, वो एक नंबर का सत्य है या रस्सी? तो जगत की सत्ता को स्वीकार करके इसका निषेध किया गया है। अधकचरे वेदांतियों के संपर्क में आएंगे तो नरक में ठलम ठेलम ठेला, फिर तो कहेंगे कि भगवान का अवतार भी नहीं, वो तो बहुत नास्तिक बना देते। कर्म उपासना की घाटी पार किए बिना जो वेदांती बनते हैं उनसे तो बहुत दूर भागना चाहिए, वो नास्तिक शिरोमणि बना देंगे। और